गुलबर्गा शहर के पहले मुस्लिम मेयर जनाब मरहूम महमूद अहमद साहब की याद में उनके फर्जंद जनाब अफजल महमूद ने याद फ़क्र गुलबर्गा के नाम से एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया था। इस प्रोग्राम में नासिर हुसैन उस्ताद, अमजद जावेद, अजीज़ुल्ला सरमस, डाबर हमीद, अलीम अहमद, मौलाना विखार अशरफी, सैयद हसन खौदरी उर्फ नजीब बाबा, मज़हर हुसैन एडवोकेट के अलावा कई दीगर शहर के जिम्मेदार मौजूद थे। इस प्रोग्राम के ज़रिए मरहूम महमूद अहमद एक्स मेयर के खिदमात को याद किया गया जो इन्होंने अपनी हयात में शहर गुलबर्गा के लिए अंजाम दिया था। महमूद अहमद खमरुल इस्लाम के काफ़ी अच्छे दोस्त थे और अपनी पूरी ज़िंदगी गुलबर्गा शहर के मुसलमानों के फलाह व बहबूदी के लिए काम किया है। 1985 में महमूद अहमद पहले मुस्लिम मेयर बने थे और मेयर बनने के बाद गुलबर्गा शहर के लिए काफ़ी डेवलपमेंट्स को अंजाम दिया है। इस प्रोग्राम के ज़रिए तमाम मुखरिरों ने मरहूम महमूद अहमद के खिदमात को याद कर उनके फर्जंद अफजल महमूद को उनकी कारनामों पर एक किताब लिखवाने की सलाह दी और अफजल महमूद ने जल्द ही एक किताब पब्लिश करने का भरोसा दिलाते हुए आगे अपने वालिद के नक्शे कदम पर चलने का वादा किया है। मरहूम महमूद अहमद गुलबर्गा के लिए फ़ख्र थे। आज उनको याद कर तमाम लीडरान, सहाफ़ी, लेक्चरर, मौलाना और दीगर दानिशमंद हजरात ने उनकी बेबाक क़यादत पर बयान किया है। हमारे समाज को बहुत दुख दिया और दूसरी जो सबसे अहम चीज जो महसूस करता था आपकी गुफ्तगू के दरमियान कि महमूद साहब अपने अंदर के महमूद को कभी मजबूर होने नहीं दिए। मैं महसूस किया हमेशा उनके पास धीरे जितनी ज्यादा थी कि अपने अंदर के महमूद को कभी टच करने नहीं दिया उन्होंने किसी को, कैसे भी माहौल रहे यही वजह रहे कि वो राष्ट्र को रहे। आदमी जब अपने अंदर के इंसान से जागता है, अपने अंदर के इंसान से रोशनास होता है, अपने अंदर के इंसान से बात करने लगता है तो आदमी मतलब प्रस्त नहीं होता। महमूद अहमद साहब की सियासी ज़िंदगी का आगाज जो है 1973 में हुआ। वो खमरुल इस्लाम साहब के नहायत करीबी और वाहतमान रफीक रहे। हालांकि वो खुद एक मुदब्बिर थे, दानिश्वर थे, बा असर जिम्मेदार मिली कायद कैसियत से उभरे, लेकिन कभी भी उन्होंने अपने आप को खमरुल इस्लाम से आगे नहीं किया। तो देखिए खमरुल इस्लाम साहब बेहतरीन मुखरिक थे, लेकिन उनकी हमेशा ये कोशिश होती थी कि उनकी तकरीर खमरुल इस्लाम से ज़्यादा अच्छी ना हो। 1972 का जो प्रसाद गुलबर्गा में हुआ, फिर 1992 का जो प्रसाद गुलबर्गा में हुआ, इन दोनों प्रसादात में महमूद अहमद साहब की बहुत नुमायाँ खिदमत रही और मुतासरीन को उन्होंने मदद पहुँचाने में, उनकी रहनुमाई करने में बहुत अहम रोल उन्होंने अदा किया। और फिर गुलबर्गा से शायर होने वाले अफरोजा अखबार काउंसिल जिसके एडिटर समीर खतील साहब, वो चले थे और आखिर सांस तक इसे निभाया। अल्लाह उनके खिदमात को कबूल फरमाए, आने वाली नस्लों में वही जज्बा महमूद अता करे। मरहूम खमरुल इस्लाम साहब का पहला इलेक्शन लोग जब याद करते हैं तो ऐसा कोई शख्स नहीं है जो खमरुल इस्लाम साहब के साथ साथ मरहूम महमूद साहब का जिक्र ना करता हो। उनके जिक्र में, क्योंकि मैं एक नौजवान था, उनसे वाबस्तगी हमारी नहीं थी, ये बोला करते थे कि बहुत ही अच्छे मुकर्रर थे, अपने तकारीर में बहुत ही संजीदा तौर पर मिली दर्द को सामने पेश किया करते थे, मिली मसाइल को बड़े अच्छे अंदाज में अवाम के बीच में और अच्छे अच्छे मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स में प्रेजेंट किया करते थे। आज यहाँ पे बहुत सी गुफ्तगू यहाँ पे हुई, स्पोर्ट्समैन थे, एजुकेशनिस्ट थे। मुझे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगती है, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी के 25-30 साल सियासत को दिए हैं। कांग्रेस का भी मैं ज़िले का सदर रहा, उसके बाद भी दो इलेक्शन मैं उम्मीदवार की हैसियत से मुख्तलिफ सियासी जमातों से मैं कंटेस्ट किया, शिकस्त हुई। मेरे सामने बहुत से लोग गुलबर्गा शहर के ज़िम्मेदार नौजवान ताजीर मुझे आज भी प्रपोज़ल देते हैं, नासिर साहब आप सियासी तौर पे बड़े अच्छे हैं, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर हमको प्रॉब्लम है कि आप
इस फलां पार्टी से आप कैंडिडेट बनी है, वो पार्टी से आप कैंडिडेट बने हैं। मुझे हैरत होती है इस बात पे कि उस दौर में 1978 में यहाँ पे मोहम्मद अली साहब कांग्रेस के CWC मेंबर थे, कर्नाटका के अंदर कांग्रेस पार्टी का, हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, अपोजिशन में जनता पार्टी थी, उसके बावजूद खमरुल इस्लाम साहब कैंडिडेट बनते हैं और महमूद अहमद साहब जैसे बासलाहियत लोग, जिनकी सलाहियत मुझे आज जो सुना, मुझे महसूस हो रहा है कि अगर वो दूसरे सियासी जमात में अगर किसी लीडर के पीछे अगर रहते तो शायद बहुत ज़्यादा सियासी तौर पर हासिल करते थे। मगर ये जो मिली फिक्र और जज्बा के खौम से एक लीडर खायद उभर के आए, उस चीज़ के लिए उनकी कुर्बानी, अपने सियासी मेयर बन गए, मैं समझता हूँ कि ये एक वाहिद पॉलिटिकल डेजिग्नेशन है जो आज हम बोल सकते हैं कि गुलबर्गा शहर के पहले मुस्लिम मेयर हैं। ऐसे पर्सनालिटी को लेकर के, ऐसे उस दौर के नौजवानों को, मुसलमानों को मैं बहैसियत नौजवान मैं सलाम करता हूँ। आपने वैसे चैलेंजेस के बीच में आपने एक फिक्र को लेकर के एक लीडरशिप को उभारने के लिए, मुझे मालूम नहीं है कि उस दौर के सियासी हालात क्या है, मैं सुना हूँ क्योंकि वो जो पहला इलेक्शन आपने खमरुल इस्लाम साहब को जिताया तो सेकंड पोजीशन पे मेरे वालिद बुजुर्ग, मेरे वालिद 300-350 वोट से हारे, उसके बावजूद भी अगर महमूद अहमद साहब अगर खमरुल इस्लाम साहब के साथ नहीं रहे, मेरे वालिद के साथ रहते तो मेरे वालिद शायद MLA पहली बार जीत जाते और अब तक जो है अलग मंजर होता। मगर उसके बावजूद मुझे खुशी इस बात की है कि गुलबर्गा शहर के अवाम अपने इत्तेहाद का सबूत देती है और किसी सियासी जमात के मोहताज नहीं है, किसी लीडर के मोहताज नहीं है। इंशाअल्लाह मैं वादा करता हूँ कि आने वाला अगला इजलास वो वालिद साहब की, उनकी जो खिदमात हैं, जो उनके रफ़ीक़कार, उनके ताल्लुक से मज़ामीन मैं उनसे तलब करूंगा, उनसे गुजारिश करूंगा कि वो मुझे अता करें, मैं उसको ज़रूर बज़रूर मंजर आम पर लाने का आप सभी के सामने वादा करता हूं इंशाअल्लाह। मैं अफजाल महमूद, ये मेरा असल नाम नहीं है, मेरा नाम अफजाल अहमद है। मैंने अपने नाम के साथ महमूद महज इस वजह से जोड़ा, मेरे वालिद साहब के साथ मेरे बहुत ही अच्छे और एक मानों में दोस्ताना ताल्लुकात थे। वो मेरे साथ में कई सारे बातें इजहार करते थे, शेयर करते थे, तो वो उनकी एक ख्वाहिश थी जो उन्होंने मेरे सामने एक बार इजहार की थी कि मेरे नाम के साथ अगर महमूद जुड़ जाए तो कैसा रहेगा। तो उसी को जहन में रखकर मैंने अपने नाम के साथ महमूद जोड़ा और उनकी शख्सियत से मैं हमेशा से मुतासिर रहा हूँ। वो मेरे लिए एक आइडियल हमेशा रहे हैं और उनके खिदमात हमेशा मेरे सामने मेरे लिए मिसाल राह हैं। महमूद अहमद मेरे ख़ास दोस्तों में से हैं और वो एक वाहिद आदमी उस ज़माने में था जो बहुत ही सब्र, जो एक नई लहर जहद पैदा किए थे नौजवानों में, महमूद, खालिद सईद, बदर महदी और खुमार कुरैशी, ये वो लोग हैं जो नौजवानों का जहन बनाने के बहुत आगे आ गए थे और खमरुल इस्लाम के क़ायद के तौर पर पेश किए। महमूद अहमद ख़ास तर बहुत जगह अपनी कुर्बानी दी, लेकिन जब मेयर बनने के बाद वो जो रेगुलराइजेशन किए वो एक यादगार चीज़ है, जिसकी वजह से आज गुलबर्गा एक तरफ है जो हम बड़े पुरसकून हैं और हम अपनी इज्जत से जी रहे हैं। और मैं महमूद अहमद को खिराज अकीदत पेश करता हूँ, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत में ज़्यादा से ज़्यादा आला मुकाम अता करें। आमीन।